If you cannot start professional website, then you have to use blogging, bloggy approach. That is free. There is no investment. But when you are familiar with all the tricks, then you can use the professional website. So now for the students. Students, अभी आपका जो एज है उस एज में आप जितना ऐसा कुछ करेंगे व्हेन यू विल रीच इन टू द हायर एजुकेशन और एट एनी स्टेज देन दैट विल बिकम्स योर प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्रॉपर्टी. सो स्टार्ट योर ब्लॉग एंड जस्ट स्टार्ट टू राइट सम रिसर्च आर्टिकल, साइंस आर्टिकल. व्हेन यू विल स्टार्ट टू राइट ऑन योर ब्लॉग इन ए सिस्टमेटिक वे, इट मीन्स यू आर लर्निंग ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द साइंटिफिक आर्टिकल ऑल्सो. एंड यू विल इफ यू विल रिमेन होनेस्टी देयर, सो ऑब्वियसली यू विल रिमेन होनेस्टी इन योर रिसर्च आर्टिकल टू, राइट? इफ योर आर्टिकल बेसिकली विजिबल टू द सर्च इंजन्स, देन इट इज बेसिकली पॉसिबिलिटी यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स इन योर रिसर्च आर्टिकल टू. सो नाउ एट दिस टाइम यू एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड बिकॉज आई हैव टू शेयर माई नॉलेज विद यू एंड आई डोंट नो दैट वट इज गोइंग इन योर माइंड राइट नाउ. So please allow me to share that how to start a blog. And this approach basically will be helpful to you that how to write a science article. If in the beginning, this platform at right now, if I will train you that write the research article by this way, that is not possible in one day or in one hour. But this approach and this method will be helpful to you. So blogging approach is very useful. So let's come on that particular point. राइट. सो फॉर दैट वॉट यू हैव टू डू, तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग. तो आपके पास में जो आपका जी मेल आई डी है उस जी मेल से आपने जी मेल को ओपन किया. यहाँ ये नाइन कॉर्नर्स जो आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स में ये नाइन डॉट्स जो देख रहे हैं, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो वहां पर ब्लॉग दिखाई पड़ेगा, जैसे ब्लॉगर. और इन जनरल भी आप जब जी मेल के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं, यू कैन सर्च इन टू द सर्च इंजन ब्लॉगर डॉट कॉम. तो ब्लॉगर जैसे ही ओपन होगा तो आपको इसको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग. तो यहां गिव ए नेम एंड चेक इट्स अवेलेबिलिटी, कि ये नाम जो है वो अवेलेबल है या नहीं है. सो लेट्स इसको अभी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं करके आपको बता ही दूं तो ज्यादा बेटर होगा. ये मेरी जो जी मेल अभी ओपन हुआ है, यहाँ अभी कोई आप देख रहे हैं कि ब्लॉग इसमें नहीं बना हुआ क्योंकि ये ऑफिशियल ई मेल आई डी है. तो मैं क्या सर्च करता हूँ यहाँ ब्लॉगर, ऐसे ये ब्लॉगर ब्लॉगर को सर्च करता हूँ तो ब्लॉगर डॉट कॉम ओपन हो चुका है. तो क्रिएट यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, बेनिफिट क्या होगा, क्रिएट योर ब्लॉग, ऐसे ये आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? मैं अभी इस ईमेल आईडी को यूज कर रहा हूँ तो ये यहाँ मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा. तो चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग, तो यहाँ मुझको टाइटल रखना है और ये सब आपका कोई भी नेम हो सकता है. सेलेक्ट द नेम केयरफुली बट यू कैन चेंज द नेम एनी टाइम बट इट शुड नॉट चेंज व्हेन यू पब्लिश सम पोस्ट एंड पोस्ट आर विजिबल एनफ टू द कम्युनिटी, राइट? एक कोई भी नेम आप चूज कर सकते हैं. तो आपका जर्नल क्लब है तो मैं यहाँ ऐसे ही एक जर्नल क्लब चैप्टर के नाम से आपका ये चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग ये रखता हूँ. और आप यहाँ पर 100 जो है लेटर यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट ओके. अब चूज ए यू आर एल फॉर योर ब्लॉग. अब वहां तो मैं क्या कर चुका हूँ, एक नेम अपने ब्लॉग को दे दिया है. यहाँ मुझको एक यू आर एल प्रोवाइड करना होगा. तो फॉर द यू आर एल जे यू जर्नल ब्लॉग या जर्नल क्या था क्लब, जर्नल क्लब डॉट ब्लॉग स्पॉट, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल. तो मैं क्या करता हूँ भटिंडा इसमें ऐड कर देता हूँ, जर्नल क्लब भटिंडा, राइट? राइट. तो इस तरीके से ये कंफर्म योर डिस्प्ले नेम अगेन दैट इज आस्किंग. सो जे यू आर एन जर्नल क्लब, सो बाय दिस वे आई हैव क्रिएटेड अ ब्लॉग हियर, राइट? So the name of the journal is Journal Club Chapter. This is the admin panel, and you will see by this way when you will create your journal. So here the first thing that will come is about to the new post. There is no hello new post. ये new post यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो यहाँ title आएगा. तो title अब आप ये point देखें कि दिस अप्रोच इज सिमिलर टू द रिसर्च आर्टिकल.
व्हेन यू विल राइट द टाइटल, आप जब आप टाइटल लिखेंगे ब्लॉगिंग जब आप करेंगे, तो ब्लॉगिंग के अंदर सबसे पहले आपका पोस्ट लिखना होगा, एंड दैट पोस्ट विल बी इक्वलेंट टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल, ए साइंस आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल आप पहले नहीं लिख सकते, तो यू हैव टू राइट ए साइंस आर्टिकल। तो टाइटल अभी फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ जर्नल क्लब फॉर द स्टूडेंट्स, ये टाइटल हुआ राइट। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जर्नल क्लब फॉर द स्टूडेंट्स, ये टाइटल या कोई और भी टाइटल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप से लिखेंगे। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी हैव जस्ट स्टार्टेड ए रिसर्च क्लब इन डीएवी कॉलेज भटिंडा पंजाब। सो यहाँ पे थोड़ा सा वो ये स्पेलिंग गलत हो गया, तो इसको तो ऐसे कुछ दो तीन सेंटेंस लिखे, एंड देन आफ्टर यू स्टार्ट इंट्रोडक्शन राइट। कि फिर उसके बाद में अब जैसा आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पैराग्राफ पे क्लिक करिए, ये हेडिंग हमारा मेन हेडिंग है। देन आपने इंट्रोडक्शन लिखा आपने, और फिर इसके बेनिफिट्स आप बताएंगे कि व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ टू ज्वाइन दिस क्लब। तो बेनिफिट आपका सब हेडिंग में आ जाएगा। तो बाय दिस वे यू कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर पोस्ट राइट। एंड हियर दिस इज द लेबल्स, लेबल्स मीन्स की वर्ड्स। सो की वर्ड्स इज रिलेटेड टू द रिसर्च राइट, एंटर इट एंड पब्लिश इट। सो यू कैन प्रीव्यू दिस आर्टिकल एंड यू कैन पब्लिश। व्हेन यू विल पब्लिश द आर्टिकल, इट विल पब्लिश लाइक ए पोस्ट। सो पब्लिश दिस पोस्ट एंड इट बिकम्स कन्फर्म। सो यू बेसिकली पब्लिश ऑल दीज थिंग्स। सो जर्नल क्लब फॉर स्टूडेंट, ए पोस्ट हैज बीन पब्लिश, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट टू राइट दिस काइंड ऑफ पोस्ट, ऑब्वियसली यू विल गेट फेमिलियर विद द आर्टिकल राइटिंग प्रोसेस। सो दिस इज ए गुड अप्रोच बेसिकली टू राइट द साइंस आर्टिकल। एंड देन आफ्टर when you will join the PhD and you can write effectively the research article because you are familiar. Now the case is what you have to see this view blog, how basically it will appear on the website in general. So this will appear in this way, and there are so many other things that you may have learned with it right. So by this way you had created a journal, and this journal post basically will help you to learn more about to the research article right. So this is one of the way to learn about to the article right. And here you can see by this way, then after keywords research. Now the important point and thing is that suppose you are writing the research articles right, but those articles are not visible on to the website. Or for an example, for the regular researchers, they publish their article, but how many times that article is how many times basically that article cited or visible to the public when they search that specific keyword. I will show you here the one important information. You cannot imagine that the value of each word right. You will get surprised when I will show you the value of one keyword in blogging, basically how the people earn the money and how basically this information may be useful tomorrow for you. That's why I'm asking, if you are not interested into the research, does not matter, but if you learn about to the blogging and that facts, obviously that will give you an insight that how to organize the content in a proper way. So here